गर्मी शुरू होते ही राजधानी रायपुर में पानी की किल्लत ने भी दस्तक दे दी है। 6 मार्च को लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। रायपुर के रॉ वाटर पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत के लिए 14 घंटे शटर डाउन किया जाएगा। यह शटडाउन जिससे 1.5 लाख से भी ज्यादा घरों में वाटर सप्लाई नहीं होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दौर बदला, सरकार बदली, लेकिन रायपुर की जल संकट की समस्या जस की तस है। गर्मी शुरू होते ही जनता को सबसे ज्यादा पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। 6 मार्च का दिन फिर लोगों की दिक्कतों से भरा रहेगा। इस दिन शाम को शहर की 30 टंकियों से जल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। नगर निगम के जल विभाग की टीम इन लीकेज की मरम्मत करेगी, जिसकी वजह से 150 MLD प्लांट में भरने वाली भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर की पानी की टंकियों में पानी नहीं आएगा। इसके अलावा अमलीडीह, अवंती विहार, मंडी, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जोरा, भनपुरी नया रायपुरा, कुकुरबेड़ा, बैरन बाजार नया और देवेंद्र नगर के वाटर टैंक में सप्लाई नहीं होगी, जिन पर शहर की करीब 1.5 लाख आबादी निर्भर है। इन इलाकों के अलावा बाकी हिस्सों में पानी पहले की तरह ही दिया जाएगा। जो हमारा 150 MLD वाला जो फिल्टर प्लांट में हमारा जो क्षमता का जो हम वहाँ पे पानी को क्लीन करते हैं, वहाँ से जो पानी टंकियों को जाती है वो हम एक टाइम नहीं भेज पाएंगे। मरम्मत का काम हम जैसे 6 तारीख को सुबह पानी का सप्लाई देने के बाद वहाँ पे हम काम चालू करेंगे और शाम तक हम कंप्लीट करके और फिर से उससे रॉ वाटर हम लाएंगे अपने फिल्टर प्लांट में, जहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा और इसके बाद फिर हम उसको टंकियों को भरने के लिए फिर पानी भेजेंगे राइजिंग लाइन से और हमारी टंकियां भर जाएंगी और 7 मार्च को फिर हम सवेरे जो है पानी सप्लाई जैसा हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कर पाएंगे। 6 मार्च को इंटेक वेल के 1400 mm व्यास की रॉ वाटर पाइपलाइन के लीकेज का काम होगा, जिससे शहर की सभी पानी की टंकियों से सप्लाई प्रभावित होगी। इस दौरान टैंकरों से पानी की वैकल्पिक सप्लाई जारी रहेगी। तो राजधानी रायपुर वासियों के करीबन 30 पानी टंकी है, जैसे भाटा गांव, अमलीडीह, तमाम जो आउटर क्षेत्र राजधानी रायपुर के, उन जगहों पर पानी की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लेकिन नगर निगम ने पूरी व्यवस्था करके रखी है, अगर इन इलाकों पर पानी की समस्या होती है तो टैंकरों की व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन राजधानी रायपुर के बाद एक वाटर पाइपलाइन में लीकेज की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको सुधारने के लिए लगातार निगम की टीम जुटी हुई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ, न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।